हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एलोपैथी के अलावा कई और चिकित्सा पद्धतियों का भी दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च के जरिए दावा किया है कि कोरोना में एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर तकनीक बहुत कारगर हो सकती है। ये तकनीक काम कैसे करती है, जानने की कोशिश की नमस्ते भारत में। एक्यूप्रेशर से कोरोना का इलाज। कोरोना वायरस का संक्रमण गले से वार करता है। गले के जरिए ये वायरस फेफड़ों तक पहुंचता है और फिर सांस लेने की तकलीफ शुरू हो जाती है। अभी तक कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें इसी वजह से हुई हैं। अब वैज्ञानिकों का दावा है कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर तकनीक से कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर कैसे आपके फेफड़ों की इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये समझिए डॉक्टर ए के सक्सेना से, जो कई साल से इस चिकित्सा पद्धति पर काम कर रहे हैं। एक रोलर है ये मेरे पास, इसको मैं इस तरह से इस सरफेस को जहां मैंने प्रेशर देना है इसको स्टिमुलेट कर रहा हूं। ओके, इसको स्टिमुलेट कर दिया मैंने, आधा सेकंड मतलब 30 सेकंड यहां पर ऐसे स्टिमुलेशन करके कर दिया। अब मैं यहां पर, अगर किडनी पॉइंट है, यहां पर हार्ट का पॉइंट है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यहां पर लंग्स का प्रेशर पॉइंट है, तो ये जो लंग्स का प्रेशर पॉइंट है, ये हमारी करंट जो बीमारी का डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मेन ऑर्गन ये है जो लंग, और यहां से हमारी वेंट पाइप आती है। ठीक है, ये जो वी फॉर विक्ट्री का निशान है, ये आप ये बच्चे का देखिए आप, यहां पर मैंने इसको इसीलिए बिठाया था, मैं इसको निशान लगा देता हूं। बेटे आपका हाथ धुल जाएगा एक मिनट, ये आप ध्यान से देखिए, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वेंट पाइप है जो यहां पर होती है, ये नाक से गई यहां पर, और ये जहां पर ये जगह मैं निशान लगा रहा हूं, ये रिफ्लेक्स पॉइंट ऑफ द लंग है। ऐसे ही पैर में भी होता है। ठीक है, अब इस जगह पर हम प्रेशर देंगे इसको स्टिमुलेशन करने के बाद, पर जब हम एक्यूपंक्चर करेंगे तो उसका लंग का रिफ्लेक्स पॉइंट यहां पर है। अच्छा। LU5, LU7, LU5, LU1, LU2, LU4। तो प्रेशर पॉइंट बदल जाते हैं। हाँ। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल में एक्यूप्रेशर को लेकर चूहों पर एक रिसर्च किया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद दावा किया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पीड़ित चूहों पर इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर तकनीक का फायदा हुआ। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में चूहों में साइटोकाइन स्टॉर्म का स्तर कम हुआ। साइटोकाइन स्टॉर्म ही शरीर की इम्यूनिटी शरीर के खिलाफ काम करता है। साइटोकाइन स्टॉर्म कम होने से शरीर में सूजन बढ़ती है और मरीजों की मौत भी हो जाती है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर से साइटोकाइन स्टॉर्म का स्तर कम हो जाता है। इस बॉडी को, इस शरीर को इनहेरेंट पावर है, हीलिंग पावर, और एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में हम क्या करते हैं, अब उस हीलिंग पावर को, जो आपके इलाज करने की जो क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कह दिया, और इलाज करने की जो क्षमता हीलिंग पावर है, हीलिंग पावर को हम प्रेशर दे के रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर, आप देखेंगी हर किताब के बैक में, आप जरा फोकस करेंगे जरा सा, इस तरह के ये रिफ्लेक्सोलॉजी कहीं भी आप किसी गूगल पे जाके देख सकते हैं। इसमें ये पैर के और ये हथेलियों के ऑर्गन्स के पॉइंट्स बने हुए हैं। आम आदमी के लिए ये काफी हैं। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर ऐसी तकनीक है जिससे लोग घरों में बैठकर खुद ही शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर कितने अलग हैं? एक्यूप्रेशर और एक्यूप्रेशर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोनों थेरेपी में रिफ्लेक्सोलॉजी फॉलो की जाती है, सिर्फ करने का तरीका अलग है। और वाई आई टॉक मोर अबाउट एक्यूप्रेशर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आम आदमी तक पहुंच सकूं। एक्यूपंक्चर एक स्पेशलाइज टेक्निक हो जाती है, विच इज इन्वेसिव एंड इंटरवेंशनल। एक्यूप्रेशर जो है नॉन इंटरवेंशनल है, आप शरीर के अंदर कुछ नहीं डाल रहे।